नमस्कार दोस्तों, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर है। अभी तक हमने क्या कर लिया, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक जो भी आईएमपी क्वेश्चन थे हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए। ठीक है, अब हमें जो हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमें देखने हैं, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट आप अपनी आंखों के सामने रखना और चुटकियों में अपन इसको करते हैं। देखिए, आर्टिकल 12 ये जो बात करता है, ये जो स्टेट के बारे में बात करता है, इसके बारे में बात करता है, स्टेट के बारे में हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 1 में भी स्टेट दिखा है, आर्टिकल 36 में भी स्टेट दिखा है, आर्टिकल 52 में भी स्टेट दिखा है और आर्टिकल 308 में भी स्टेट मिला है। ये जे एंड के को छोड़कर बात कर रहा है, ठीक है, जे एंड के को छोड़कर उसमें ऐसा लिखा है। अब देखिए क्लियरिटी का है, जो जो स्टेट के बारे में बात कर रहा है हमारा आर्टिकल 12, ये जो स्टेट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया जो गवर्नमेंट है, ये जो विधायिका है और ये जो अथॉरिटी है उनके बारे में। अथॉरिटी कितने तरीके की बताएं, इसमें लोकल और अदर, कितनी, दो बताई है, एक तो आपकी बताई गई है लोकल और दूसरी अदर बताई, और ये इनका कंट्रोल किसके कंट्रोल में रहते हैं, ये कंट्रोल में रहते हैं अपने गवर्नमेंट के। क्लियर बात। लेजिस्लेटिव दो तरीके के, एक तो आपका पार्लियामेंट संसद और दूसरा आपका विधायिका विधायी, ठीक है, और गवर्नमेंट दो तरीके की, एक तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट और एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वाली चीज़ तो उसमें पूरी आपकी डेफिनेशन में आपके पहले वाले क्लॉज में लिखी है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन बनता है कौन से स्टेट है कौन से स्टेट नहीं है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जो आपके प्री में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि LIC क्या है, LIC तो LIC क्या है, स्टेट है, ठीक है, LIC क्या है, स्टेट है, ठीक है। निगम क्या है, निगम, अगर निगम आपका एजेंसी और अभिकरण है, मतलब एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट को बता रहा है, तो वो क्या है, आपका स्टेट है, अन्यथा नहीं है वो निगम स्टेट, ठीक है, मतलब समझ रहे बात को, कि जो निगम है, निगम अगर आपका क्या बताता है, एजेंसी को बताता है तो वो आपका स्टेट बनेगा, अन्यथा एजेंसी और अभिकरण को बताएगा तो वो आपका क्या बनेगा, स्टेट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या होता है, आपका जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो भी क्या है, एक स्टेट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वो भी क्या है, स्टेट है, जो प्री में आपके बन सकते हैं या पूछे गए हैं, ये वाली चीज़ है। अब जैसे कि नॉट ए स्टेट, नॉट ए स्टेट में आप लिख लीजिए CISR, मतलब जो आपको बोला जाता है 2000 में एक केस आया था उसके बाद ये क्या बना गया, स्टेट बना दिया गया, ठीक है। और NCERT ये क्या है, स्टेट नहीं है, ठीक है। राजीव गांधी जो बोर्ड है वो भी स्टेट नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो भी स्टेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका है कंपनी अधिनियम, वो भी स्टेट नहीं है, सरकारी सोसाइटी वो भी स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सहकारी सोसाइटी स्टेट नहीं है, भागीदारी फर्म भी स्टेट नहीं है, ठीक है, ये तरीके से। अब जैसे कि विश्वविद्यालय पूछा जाता है, तो विश्वविद्यालय स्टेट है, हाँ विश्वविद्यालय क्या है, स्टेट है। भगत राम वर्सेज सुखदेव का एक केस आपको याद रखना पड़ेगा, भगत राम वर्सेज सुखदेव में LIC पे डिबेट था, तो LIC भी काय में आती है, स्टेट में आती है। देखो जहाँ केस है वहाँ पे, जैसे कि आपका HP हो गया, भारत पेट्रोलियम, ये सब क्या है, इंडियन ऑयल, ये सब क्या है, ये सब स्टेट है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वर्ड दिखेगा आपको कि ये सब कंट्रोल में किसके रहते हैं, आपके स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं, मतलब कंट्रोल किसका है, आपके सरकार का कंट्रोल है, मतलब राज्य के शब्द में ये आते हैं, ठीक है। जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्या है, ये भी क्या है, ये राज्य नहीं है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र संघ ये राज्य नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। फंडामेंटल राइट पर अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1215 में मैग्ना काटा है ना, तो ये पूरे फंडामेंटल राइट हमें कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक हमें प्राप्त है, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर मैं बोलूँ तो ये फंडामेंटल राइट दो लोगों को प्राप्त होते हैं, एक तो आप नागरिक हो तो, या अगर व्यक्ति हो तो, बताइए कौन कौन से आर्टिकल में नागरिक है, बताइए कौन कौन से आर्टिकल में क्या है, नागरिक है। तो 15, 16, 2 आप ऐसे ही रेंडमली याद रख लेना, और उसके बाद 29, 30 भी आप कैसे रेंडमली याद रख लेना, बचा एक ही 19, तो ये आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, मतलब 15, 16, 29, 30, 19 लास्ट में याद रख लेना, ठीक है। अब व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति की तो सीधा लाइन चलती है, कैसी चलती है, आपका जो 14 है, 14 के बाद 14 अकेला एडिशनल 20, 21, उसके बाद आपका 22 और 23, ये पूरी लाइन है, 20 से याद कर लेना और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 19, मतलब 19 में
नागरिक है और 14 में व्यक्ति है, बाकी 20 21 22 23 में व्यक्ति है और 15 16 29 30 ये वाली आप चीज़ याद रखना, आपके प्री में पूछे जाने के चांस इसमें से बन सकते हैं। आइए आर्टिकल 13 पे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या बात करता है? आर्टिकल 13 आपका लॉ के बारे में बात करता है, विधि के बारे में बात करता है और वो पूछा जाता है ये विधि कहाँ है, तो ये विधि इसके 13(3) में मिलेगी। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में मिलेगी। अब इसमें विधि में क्या क्या है इंक्लूड, देखिए विधि में क्या क्या इंक्लूड है। एक तो आपका है खुद विधि, दूसरा है आपका उपविधि, तीसरा आपका है आदेश, चौथा आपका है विधि उपविधि आदेश अध्यादेश, ठीक है, नोटिफिकेशन हो गया जो, ठीक है। इसके बाद आता है रूढ़ी कस्टम प्रथा, ठीक है, यूसेज, और उसके बाद आपका है विनियम और अधिनियम अधिसूचना। ये क्या है आपका विधि है, मतलब अगर पूछा जाए विधि मतलब विधि उपविधि आदेश अध्यादेश रूढ़ी प्रथा विनियम अधिसूचना, ठीक है, ये वाली आप इंग्लिश में देख लेना एक बार, ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाएगी। अब पूछा जाता है कि विधि किस मात्रा तक क्या होगी आपकी, शून्य होगी, तो विधि क्या होगी जब विधि आपकी विरोध की मात्रा तक क्या होगी, विधि विरोध की मात्रा तक क्या होगी आपकी, शून्य होगी, विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, ये वाली चीज आपको याद रखना, ठीक है। और यहीं से एक सिद्धांत निकलता है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, किसका, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत निकलता है आपका, ठीक है, ये वाली चीज आपको क्लियर समझ में आई, ठीक है। इसके बाद एक सिद्धांत और पूछा जाता है, क्या, ग्रहण का सिद्धांत पूछा जाता है कि ग्रहण का सिद्धांत कहाँ है, तो ग्रहण का सिद्धांत भी कहाँ मिलेगा आपको, यहीं देखने मिलेगा। जैसे ग्रहणता का सिद्धांत कैसा होता है, ग्रहणता का सिद्धांत ऐसा होता है कि जैसे कि आर्टिकल, जैसे कि सेक्शन 303 ले लो, ठीक है, 397 जस्टिन साइने वाले केस में, है ना, दीपक मिश्रा जी के जजमेंट वाले केस में। अब ये इसमें क्या है, अभी इसमें मना कर दिया है, लेकिन ये क्या ओवर रूल करा है, अगर इसको हटा दिया जाएगा तो ये अभी ग्रहण लगा है, इन दोनों पे क्या लगा है, अभी ग्रहण लगा है। तो ये ग्रहणता का सिद्धांत आपको समझ ले, और इसको हटाने का काम किसका होता है, हटाने का जो कार्य करेगी वो आपकी क्या करेगी, पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा सिद्धांत, पहला पृथक्करणीयता का सिद्धांत हो गया, दूसरा इसमें जो आपका सिद्धांत बना वो बना ग्रहणता का सिद्धांत, और तीसरा होता है एक अभित्याग का सिद्धांत, ठीक है। अभित्याग का सिद्धांत को अगर आप अच्छे से समझने जाओगे तो आर्टिकल 20 में आप देखना जिसपे लिखा है आपका, क्या लिखा है कि भैया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बारे में बात करता है। जैसे 354 का 5 है सीआरपीसी में, उसमें बोला जाता है कि आप किसी व्यक्ति को तब तक लटकाओगे जब तक कि फांसी पर तब तक लटकाओगे जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, मतलब फांसी दी जाएगी, मतलब अभित्याग का सिद्धांत उसमें बताया गया था, क्योंकि अभित्याग मतलब उसको मरने का अधिकार, किसी व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट त्याग करने का अधिकार है नहीं है, ठीक है, तो ये वाली चीज है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को उसको जीवन लेने का अधिकार है तो वो भी नहीं है, लेकिन सीआरपीसी में बता दिया 354 के 5 में कि तब तक लटकाओगे जब तक कि, क्योंकि इस पर डिस्प्यूट हो गया था, है ना, तो ये अभी तक का सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 13 का, अब 13 के 4 के बारे में बात कर लेते हैं, अभी 13 का 3 हो गया, ठीक है, अब 13 का 4 पे बात कर लेते हैं। देखो 13 के फर्स्ट में जो विधि की विरोध की मात्रा तक क्या होगी, वो शून्य होगी, ठीक है, विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, और अगर कोई विधि बनाई वो असंगत है तो जहां तक वो असंगत है वहां तक भी क्या होगी, वो शून्य होगी। ये चीजें आपको 13 में याद रखनी है। 13 का 3 पढ़ लिया है, डॉक्ट्रिन देख लिए हैं। 13 के 4 में वो 368 का संशोधन के बारे में क्या बात करती है, चर्चा करती है। कैसी चर्चा करती है, आइए देखते हैं कि भैया 368 का जो संशोधन है वो लॉ है या नहीं, ये डिस्प्यूट है ना, कि वो लॉ है या नहीं। इसके लिए क्या आया था, इसके लिए 368 के साथ हम पढ़ेंगे संकरी भाई साहब को, हम पढ़ेंगे सज्जन सिंह को, हम पढ़ेंगे संकरी सज्जन गोलक सिंह को, हम पढ़ेंगे केशव दास को, ठीक है, केशवानंद भारती वाला, ठीक है, केशव संकरी सज्जन गोलक केशव, इनके सबसे पहले ईयर याद कर लो छत्तीसगढ़ के लिए, तो ठीक है 1951
सज्जन सिंह का भैया कब है? 1965। इसका कब है? 1967। और इसका कब है भैया? 1973। सबके केस अपन को याद होने चाहिए। 51 में प्रथम संविधान संशोधन आया था आपका, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो संकरी सज्जन गोलक केशव, संकरी सज्जन गोलक केशव, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में तो बोल दिया कि भैया जो 368 है वो क्या नहीं है, अमेंडमेंट विधि नहीं है। वो क्या नहीं है? ये विधि नहीं है। इन दोनों में बोल दिया संकरी सज्जन में कि वो विधि नहीं है, लेकिन विधि नहीं है, ठीक है। और 367 वाले, इसमें गोलकनाथ वाले में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि ये विधि है। ये क्या है? ये विधि है। गोलकनाथ वाले पंजाब राज्य वाले केस में बोला गया था ये विधि है, क्योंकि इसमें बेंच बैठी थी 6:5 की, मतलब 11 जजे उसकी क्या बैठी थी आपकी? बेंच बैठी थी, 11 जजेस की बेंच थी। और ये बोलने वाले सुब्बा राव, सुब्बा राव का भी नाम याद रखना, चीफ जस्टिस सुब्बा राव, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। और इसी में क्या आया था आपका? इसी केस में आपका आया था भविष्य लक्ष्मी का सिद्धांत, भविष्य लक्ष्मी सिद्धांत आया था। क्या आया था? भविष्य लक्ष्मी सिद्धांत आया था, ठीक है। मतलब 368 का जब आप तीसरा सब क्लॉज पढ़ोगे, उसमें किया गया है कि कोई भी संशोधन 13 में विधि नहीं आएगा, और यदि 368 में संविधायी शक्ति होती है, मतलब उसके तीन में तो बोल दिया कि 368 के थ्री में तो कोई भी संशोधन क्या नहीं है, इसमें विधि नहीं है। और 368 के फाइव में उसकी पावर ही छीन ली कि आप इसमें अमेंड नहीं कर सकते, इसमें इसमें जो बना दिया गया, ठीक है। मतलब एक तरीके से दिया और छीन लिया वाली बात हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे, इसलिए फिर केशवानंद भारती, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी केशवानंद भारती के केस से आया है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ये जो, ठीक है, ये वाली चीज आपको समझना पड़ेगी। अब जो 368 का जो तीन है, ये कब जोड़ा गया? ये आपका 26वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 24वां संविधान संशोधन 1971, 368 का ये आपका थ्री जोड़ा गया है, ठीक है। और आप याद रख लेना यहाँ से रिलेट करके, तो आपको क्या ध्यान में रह जाएगी। केशवानंद भारती पे बात करते हैं, केशवानंद भारती की जो बेंच है वो कितनी बेंच थी भैया? 13 जजेस की क्या थी? बेंच थी। ये तो आपको याद ही होगा, सबसे फेमस केस लॉ है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1900 जांच करने के लिए आया था, और ये जो 24वां संविधान संशोधन है इसकी जांच करने के लिए आया था, 24वां संविधान संशोधन 1971 की इंक्वायरी के लिए ये वाली चीज आई थी, क्योंकि ये डिस्प्यूट छिड़ा था एक, ठीक है। केशवानंद भारती के बारे में अगर क्वेश्चन बना तो कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं केशवानंद भारती से? देखिए, केशवानंद भारती से ये बनेगा आपका जस्टिस सीकरी, पहली चीज तो कौन से जस्टिस सीकरी थे। दूसरी चीज आपके अगर पूछा जाएगा तो किस लिए आया था, तो ये 24वां संविधान संशोधन की जांच करने के लिए आया था। और तीसरा अगर बना तो कैसा बनेगा? प्रोसीजर पार्ट ऑफ प्रियम्बल का पार्ट, मतलब प्रियम्बल से रिलेटेड के लिए आया था, कि प्रियम्बल क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसी में बताया गया था, ठीक है। परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं होना चाहिए? कोई हानि नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब अगर ये पार्ट के बारे में बोल रहा है तो बताइए कौन सा जो आपका केस लॉ है वो पार्ट नहीं है ये बोल रहा था, तो ये भी लिख लो। जो पार्ट नहीं है इसके बारे में बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, वो होता इनरी बेरुबारी वाले केस में बोला गया था, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? आर्टिकल 13 क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है, मिटा रहा हूं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन पे आते हैं बात, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 368 पे ही है अपन, है ना। 42वें संविधान संशोधन, देखिए 368 का जो 4 आया और 368 का जो 5 आया, ये कब आया था? ये आपका 42वां संविधान संशोधन में आया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये क्यों आया था? ये आया था जो केशवानंद भारती है, केशवानंद भारती के प्रभाव को दूर करने के लिए, केशवानंद भारती के जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए आया था, ठीक है। ये वाली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये दोनों कब जोड़े गए, और ये आप पढ़ लेना, है ना। 368 का 4 भी पढ़ लेना और 368 का
फाइव भी पढ़ लेना है ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी ये सब चीज़ें। क्योंकि 368 का फोर में अगर मैं बोलूं कि 368 के फोर में क्या लिखा है, तो 368 के फोर में अगर मैं बोलूं कि 368 के फोर में क्या लिखा है, तो देखिए आप क्या लिखा है 368 के फोर में, कि इस संविधान का इस अनुच्छेद की धारा किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब इस संविधान संशोधन में कोई भी कोर्ट में, एनी कोर्ट में क्या नहीं किया जाएगा उसका, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। देख रहे हो, इसने क्वेश्चन कर दिया था इसके दूर करने के लिए, उन्होंने बोला कि भैया हम कोई भी विधि बनाए, आपको क्या किसी भी कोर्ट में आप क्या नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके प्रभाव को दूर करने के लिए फिर आपका कौन सा आया था, ये वाला 365 आया था कि शक्ति को निर्बंधन नहीं करेगा, मतलब 368 में किसी भी शक्ति का निर्बंधन नहीं होगा। इसमें सीधा सीधा बात बोलता है, क्या बात बोलता है कि ये परिवर्तन परिवर्धन परिवर्तन परिवर्धन और निरसन, ये तीन चीजें इसमें बोली कि मतलब इसको क्या नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, निर्बंधन नहीं करेगा। इन तीन चीजों करने से क्या नहीं लगाएगा, निर्बंधन नहीं लगाओगे, निर्बंधन नहीं लगाओगे, मतलब ये वाली चीज बोली गई थी 368 के फाइव में, 368 के फाइव की शक्ति को निर्बंधन नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रश्नगत नहीं किया जा रहा है तो 368 फाइव जोड़ा गया, पर उसमें बोला परिवर्तन परिवर्तन निरसन करने की शक्ति को हमें क्या नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू को लोक लगाने के लिए जो 364 और 365 इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये क्या थे, ये जो दो चीजें आई उनने बोला कि भैया अगर हम कोई भी अमेंडमेंट लाएं आप क्या नहीं करोगे, आप भैया आप प्रश्न नहीं लाओगे किसी भी चीज पे, ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे एनी कोर्ट में। और 365 में बोला कि अगर हम चाहे परिवर्तन करें, चाहे हम परिवर्तन करें, चाहे हम किसी भी प्रोविजन को निरसित कर दें, आप क्या नहीं लाओगे, हमें रिस्ट्रेंट नहीं करोगे। तो इन दो चीजों से क्या हो गया, इन दो चीजों से तो भैया मनमानी टाइप की हो गई, क्या हो गई, इनकी मनमानी टाइप की हो गई। अब जो मनमानी टाइप की हो गई तो इनने क्या करा, जुडिशियल रिव्यू जो एक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगाने के लिए आया था ये वाला 368 और 365 ए, तो इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया गया फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या कर दिया गया भैया, इसको डिक्लेयर कर दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन की जांच कब हुई फिर, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसकी जो जाँच हुई वो हुई 1980, कब, 42वें संविधान संशोधन की जो जांच हुई वो 1980 में हुई। ठीक है, ये वाली जो जांच है और ये आपको चेक करना पड़ेगा, और ये आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन की जांच कौन सी ईयर में हुई थी, आपके 1980 में हुई थी। ठीक है, हमने क्या देखा, आप देखिए समझिए आप बात को, है ना, पूरा पूरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पूरा पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी और फाउंडेशन बैच में कर सकते हैं, और अभी इतना टाइम है भी नहीं अपने पास, है ना, सिर्फ हमें प्री का क्वेश्चन निकालना है। तो आप तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट को देखते जाइए, संकरी सज्जन गोलक केशव, संकरी सज्जन गोलक केशव, ईयर बोलते जाओ 1951, 1965, 1967 और आपका 1973। ठीक है, ये वाली चीज हमने अभी पढ़ी, दो में तो आपको याद है इसमें कौन है, सुब्बा राव है, और आपके और क्या आया था इसमें हमने पढ़ा, अभी भविष्य लक्ष्य सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, भविष्य लक्ष्य सिद्धांत आपको ध्यान देना है, इसमें कौन थे, जस्टिस सीकरी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या इसमें यहाँ आया था आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वाला मैटर, और क्या पढ़ा, 24वां संविधान संशोधन को लेके आया, और क्या पढ़ा, और हमने अभी देखा कि भैया जो 24वें संविधान संशोधन कब कब जोड़ा गया, ये 24वें संविधान संशोधन में जोड़ा गए थे अपने 13 का 4 जोड़ा गया, 368 का आपका 3 जोड़ा गया। ठीक है, ये वाली चीज आप क्या था आपके 24वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपके जोड़े गए थे 368 का 4 और 368 का 5। क्लियर हुआ, ये हमने अभी तक देखा इसमें। ठीक है,
अब नौवीं अनुसूची का मैटर यहीं से आपको दिख रहा होगा, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था ना, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, तो नौवीं अनुसूची को काय में डाल दिया, जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है, जो आपका केस में भारती वाला मैटर है, ठीक है, इसमें एक केस लिख लो, IR कोहले वर्सेस, मतलब नौवीं अनुसूची, नौवीं शेड्यूल जो आपकी अनुसूची है, ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू, इससे मैटर क्या, नौवीं अनुसूची को क्या बोलते हैं, कचरे का बॉक्स बोलते हैं, कि उसमें कोई भी संशोधन नहीं करा जाएगा। तो नौवीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या है, एक केस आता है आपका कि IR कोल्हे का केस, IR कोल्हो का केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें बोला आरक्षण 69% सरकार ने नौवीं अनुसूची में डाल देते थे, ठीक है, मतलब आरक्षण लगभग कितना आपका जो IR कोहले वाले में 69% जो आरक्षण हो गया था, ये सरकार ने किस में डाल दिया था आपका, किस में सरकार ने डाला, नौवीं अनुसूची में, तो जुडिशियल रिव्यू अब हो नहीं सकता था, ठीक है। तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 के पहले, उस समय की कोई गलती नहीं होगी, गलती नहीं की होगी, परंतु इसके बाद अमेंड होने पर जांच होगी, मतलब उस समय के पहले ये बोला गया कि IR कोहले वाले केस के माध्यम से कि इनने क्या करा था कि 69% का जो आरक्षण था, 69% का जो आरक्षण था उसको काय में डाल दिया था, नौवीं अनुसूची में डाल दिया था, नौवीं अनुसूची में। अब नौवीं अनुसूची में डाला तो नौवीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू हो सकता था कि नहीं हो सकता था, तो देखो उनने एक केस आया था आपका 1973, जो कि हम पढ़ा अभी 1973 का जो ये वाला केस, केशवानंद भारती, ठीक है, इसमें वो बोला, इसमें संशोधन ये हुआ, क्या हुआ कि नौवीं अनुसूची 1973 के जो बाद, मतलब 1974 से जो अमेंड होंगे उनका क्या होगा, उनका तो होगा जुडिशियल रिव्यू, लेकिन उसके पहले जो है उनका क्या नहीं होगा, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। IR कोहले वाला केस आप क्या करना, याद रखे रहना, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। जो 13, ये आपका आर्टिकल 13 ऑलमोस्ट कवर हो गया है, ठीक है, यहाँ से आपके जितने ज़्यादा संभव क्वेश्चन बन सकते थे आपको करवा दिए, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 14 पे बात करते हैं, आर्टिकल किस पे, 14 पढ़िए, आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है भैया, आर्टिकल 14 से लेके जो आपको देखना पड़ेगा, आर्टिकल जो आपका पार्ट चलेगा, अब वो पार्ट कैसे चलेगा, जैसे कि समता का अधिकार, जैसे कि क्या चला, समता का अधिकार चला, तो जो समता का अधिकार ये कहाँ तक है, 14 से लेके आपको 18 तक मिलने वाला है, जैसे कि 19 से लेके 22 तक क्या मिलने वाला है आपको, स्वतंत्रता का अधिकार मिलने वाला है, काय का मिलने वाला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलने वाला है। उसके बाद आपका 23 और 24 क्या है, 23 और 24 जो आपका है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये ऐसे भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। आपका फिर जो 25 से लेके 28 तक का जो पार्ट बनने वाला है वो क्या है, 25 से लेके 28 तक का पार्ट बनने वाला है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है आपका, अधिकार है। और लास्ट आपका जो बन रहा है 29-30 और 31 से 35, 31 से 35 ही देख लो, संवैधानिक उपचार है ये, 31 से जो 35 है ये क्या है आपका, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार है, मतलब रेमेडीज आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। आपका बच रहा है अकेला 29-30 जो कि अल्पसंख्यक के बारे में क्या करता है, आप बात करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा यहाँ से, है ना। अब करते हैं स्टार्ट, अब कर रहे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ है, ये बोला जाता है आर्टिकल जो 14 है, पूछा जाए तो क्या है वो, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, दो चीजें हैं, एक तो आपका है इक्विटी बिफोर लॉ और एक तो आपका है इक्विटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये वाली जो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी, इक्विटी बिफोर लॉ और इक्विटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये कहाँ से आया, इक्विटी बिफोर लॉ कहाँ से आया, कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ये आपका आया था यूके, यूके मतलब आपका इंग्लैंड, ठीक है, और ये कहाँ से आया इक्विटी प्रोटेक्शन लॉ, यूएस, यूएस, ये आया अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका से, ठीक है, क्लियर। विधि का शासन पूछा जाता है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन किसका है, डाइसी,
किसने दिया था ये? डाइसी ने दिया था। ये बस इतना याद रखना है इसमें कि डाइसी ने दिया था, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि इसके अपवादों में अगर सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि आपके विधि जो जो इक्विटी बिफोर लॉ और ये विधि का शासन अगर देखने मिलता है, तो जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख जो कि 368 में प्रिविलेज पावर के बारे में बात करता है, ठीक है, 105 एमपीस के बारे में बात करता है, आपका 104 एमएलए के बारे में बात करता है, 194, है ना, तो ये सब आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे वहाँ पे, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट वहां से लेंगे, रूल ऑफ लॉ से, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, हाँ है, 14 के कुछ एक्सेप्शन है तो पढ़ लेते हैं ना। तो आर्टिकल 15 का 3 है, 15 का 4 है, ठीक है, आर्टिकल 361 है, आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 4 है, मतलब ये एमएलए का है, ये आपका एमपीस का है, ये आपका प्रिविलेज पावर है आपके राष्ट्रपति की, आपके गवर्नर की, ये किसके बारे में बात करता है, ये आपके जो आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। 15 का 3 15 का 4, 361 और 105 है, ठीक है, और जो आपका ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। ये एक्सेप्शन बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 361 में क्या है, तो 361 में प्रिविलेज पावर है, ठीक है, क्या कौन सी पावर है आपकी, प्रिविलेज बताई गई है, कैसे बताई गई, 361 प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख, उनको प्रोटेक्शन देने के बारे में बात करता है, जबकि क्या है, इक्विटी बिफोर लॉ और इक्विटी मतलब सभी पे लॉ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जबकि इन पे समान नहीं है। एमपीस 105 जो आपका एमपीस के बारे में बात करता है, तो वो भी आपका क्या नहीं है, वो भी समान नहीं है, उनको कुछ स्पेशल रेमेडीज दी गई होंगी, ठीक है। और आपका जैसे पावर ऑफ प्रिविलेजेस ईटीसी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर एंड कमिटीज ऑफ देयर टू, और ये एमएलए के लिए है, ऐसे ही ये महिलाओं से संबंधित, बालकों से संबंधित, ठीक है, तो ये आपके क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन आप क्या ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब संवैधानिकता की जांच के बारे में अगर प्रश्न बनता है, तो जैसे कि संवैधानिकता की जांच, कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो संवैधानिकता की जांच कितने तरीके से की जाती है, 3 तरीके से, एक तो आर्टिकल 14 के माध्यम से, एक तो आर्टिकल 19 के माध्यम से, एक तो आर्टिकल 21 के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, प्री में डायरेक्ट आता है संवैधानिकता की जो जांच है, वो संवैधानिकता की जांच आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं आर्टिकल 15 जो आपका बात करता है, आर्टिकल 15 दो चीज़ों की बात करता है, एक तो आपका किसके बारे में बात करता है, आपके नागरिक के बारे में, और दूसरा आपका किसके बारे में बात करता है, भेदभाव के बारे में बात करता है, किसके बारे में, भेदभाव, और भेदभाव किसके आधार पे, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और एक और जाति, इनके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लिंग से रिलेटेड एक केस याद रख लेना आप, नालसा वाला केस आपको याद होगा, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, ये आपके सेक्सुअल लिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि चलो इसमें 15 में तो ये आपको कितनी 5 चीजें दिख रही हैं, तो 16 भी इसी के साथ देख लो, तो शायद आपको क्या हो जाए, याद ही हो जाए। देखो आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है, नियोजन के बारे में, लोक नियोजन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये इसमें कितनी चीजें एक्स्ट्रा आएंगी, इसके अलावा आएगा आपका उद्भव, और इसके अलावा आएगा आपका निवास, उद्भव और निवास, ये दोनों चीजें आपकी आ जाने वाली है, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलो इसमें जरा 15 का 2 पढ़िए आप, 15 का 2 क्या बोल रहा है, 15 का 2, ये 15 का 1 था, 15 का 2 तो सीधा सीधा बात बोल रहा है, 15 का 2 बोल रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इन चीजों के आधार पर किसी भी होटल दुकान में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, मतलब इनको क्या नहीं किया जाएगा, निर्बंधित
नहीं किया जाएगा, निरोगित नहीं किया जाएगा और कोई भी शर्त नहीं लगाई जाएगी 15-2 में, ना तो निर्बोधित किया जाएगा, ना तो नियोजित किया जाएगा, ना तो उसको क्या किया जाएगा, निरोग्यता लागू, मतलब किसी भी तरीके की निरोग्यता इस पे क्या नहीं होगी, 15-2 पे लागू नहीं होगी। आपके 15-3 में क्या बोला, 15-3 में बोला है कि महिलाओं को और बच्चों को, महिला और बच्चों के लिए क्या जो आपकी गवर्नमेंट है वो सिर्फ विशेष उपबंध बना सकती है, जैसे कि पॉस्को एक्ट, जेजे एक्ट, है ना, इस तरीके के। ठीक है, अब जो 15 का आपका जो 4 है ये कब जोड़ा गया, ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को जोड़ा गया। 15 का जो 5 है ये कब जोड़ा गया, ये 93 अमेंडमेंट 2005 को जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्री आपका बन सकता है। ठीक है, अब ये क्या था, ये वाली व्यक्ति थी कि किसी व्यक्ति को यदि आप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या करते हो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो क्या है, पिछड़ा है, तो उसको विशेष उपबंध बनाओगे, और ये आरक्षण के बारे में बात कर देता है। ठीक है, इसमें एक केस लिख लो 14 में, अब्दुल अजीज वर्सेस मोहम्मद, है ना, स्पेशल कानून बनाया गया था महिला के लिए। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखना है, अब्दुल अजीज वर्सेस मोहम्मद। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 15-4 में सामाजिक शैक्षणिक ओबीसी के लिए, 15-5 में आपका प्राइवेट संस्था के लिए, प्राइवेट संस्था के लिए, है ना, इस तरीके से अगर आप क्या करोगे इसको याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब शिक्षा संस्था कैसी है आपकी, प्रवेश संस्था के, प्राइवेट प्रवेश संस्था से लेके है आपका। ठीक है, प्रवेश को लेके, प्राइवेट संस्था में प्रवेश को लेके है, याद रखना। ठीक है, 15-6, ये जो क्या है आपका EWS 10% क्या है, आपको आरक्षण है जनरल वालों के लिए बात करती है। ठीक है, अमेंडमेंट आप पूरे लिख लेना, ये कब आया था, ये आपका 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, तो 15-3 कब आया, 15-4 कब आया, ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 15-5 कब आया, 93वां संविधान संशोधन 2005, और 15-6 आया था वो 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। ठीक है, अब आर्टिकल जो 14 है उसमें कौन सा आर्टिकल जो 14 है उसी के साथ चलेंगे आप, आर्टिकल 14 फिर से। आर्टिकल 14 में क्या आया आपका, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ये भी आपसे पूछा जाएगा अगर प्री में, तो आपको लगा देना है टिक कि नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 14 में आया था। ठीक है, इसमें समता और वर्गीकरण के बारे में बताया गया था कि समता किस किस की होगी और वर्गीकरण कहाँ कहाँ किसको क्या 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 प्रोविजन होंगे। ठीक है, ये वाली चीजें इसमें आई थी, मतलब आर्टिकल 14 समता का उपबंध करता है, साथ साथ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है, मतलब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत को बोला जाता है। एक और क्या, रीजनेबल क्लासिफिकेशन आया था इसमें, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, वही समता और वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केस लॉ के बारे में बात करते हैं, तो केस लॉ यहाँ से एक केस लॉ बनता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला। ठीक है, ई पी रोयप्पा वर्सेस TN राज। ठीक है, आपको याद रखना है 1974 का मैटर है, कब का है, 1974 का मैटर है। हेल्ड क्या हुआ था इसमें, इसमें हेल्ड हुआ था जो आपकी इक्वलिटी है और जो आपका ये इक्वलिटी है और आपका जो मनमानापन है, ये दोनों कट्टर शत्रु हैं। इसमें जो हेल्ड हुआ ये हुआ आपका जो इक्वलिटी है, समता है, और जो आपका मनमानापन है, मनमानापन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, कट्टर शत्रु हैं, इक्वलिटी वर्सेस मनमानापन। इसमें एपी रोयप्पा वर्सेस TN राज्य में क्या हुआ था, ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक केस और लिख लो, इसमें एक केस और लिखो आप, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब, पंजाब राज्य वाला एक केस इसी में आपका। ठीक है, क्या बोला मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य वाले केस में, क्योंकि अभी एक्सेप्शन पड़े थे ना 14 के साथ, तो 15 हो गया उसी में कवर। ठीक है, अब इसमें बोला गया था कि जो IPC की धारा 303 है,
इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशन किया गया कि मृत्युदंड या हत्या के मामले में अभियुक्त का वर्गीकरण किया गया है, इसे असंवैधानिक किया गया है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी चाहिए कि मिट्टू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में 303 से रिलेटेड बात बोली गई है, आईपीसी की धारा 303 वो अनकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आई? ठीक है, क्लियर। एक और केस लिखिए, इसमें केस फिर से केस। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका पूरा हेडिंग बना देते हैं, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कहां कहां हमने इसमें केस पढ़ रहा है। ठीक है, पहला तो आपका बन रहा है ईपी रोयप्पा वर्सेस जो आपका टी एन राज्य 1974 क्या हेल्ड हुआ, इसमें हुआ जो आपका इक्वलिटी है, इक्वलिटी ये, और जो आपका मनमानापन है, मनमानापन जो है आपका, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, शत्रु हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, कट्टर शत्रु हैं। दूसरा वो जो केस बन रहा है आपका, ये बन रहा है मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983 का मैटर है, इसमें बोला 300 आईपीसी की सेक्शन 303 को क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए सरोजनी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ कि आपको, चलो ठीक है, कवर हो जाना चाहिए, है ना। सरोजनी वर्सेस सुदर्शन कुमार, इसमें जो जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है वो सेक्शन 9 में वॉयलेशन करती है, हिंदू विवाह एक्ट की धारा जो सेक्शन 9 है, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के बारे में बात करती है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना गया। मतलब जीवन जीने का जो अधिकार है, जो आपका जो सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 है, उसको क्या नहीं माना गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया है। मतलब उसको ये नहीं माना गया कि वो जीवन जीने का एक अधिकार है, मतलब वो आर्टिकल 14 का क्या नहीं करती, ये सेक्शन आपका आर्टिकल 14 का क्या नहीं करती, उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है, एक केस और लिख लीजिए, जावेद वर्सेस हरियाणा 2009 में दो से ज़्यादा बार बच्चे वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जिनके बच्चे हैं वो व्यक्ति क्या नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। जावेद वर्सेस हरियाणा वाला केस है, हरियाणा, ठीक है, 2009 के बाद जो बोला है कि दो से अधिक बच्चे अगर जिनके पास हो गए वो क्या नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है आपका, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, जो पंच और सरपंच के बारे में बात करता था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर कि नहीं हुआ, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अभी तो 14 के ही केस लिखे हैं, अभी 15 का और आ जाइए, सेक्शन आर्टिकल 15 अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ, आर्टिकल 15 में लिखो आप फेमस अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ का केस है, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ 2008 का एक केस है। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग करने वाले संविधान संशोधन 27% आरक्षण का प्रावधान 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के विधिमान्य घोषित किया गया था। मतलब जो 93 संविधान संशोधन आया था 2005 में, इसको क्या बताया गया था, वैलिड मतलब विधिमान्य कर दिया गया था, क्योंकि ये 27% क्या ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान का था। तो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ, ठीक है, आपका आर्टिकल 16 का जो केस बनने, आर्टिकल 16 में लिखिए आप बलसम्मा वर्सेस कोचीन विश्वविद्यालय 1996 का केस है, 1996 का जो केस है, इसमें बोला यदि उच्च जाति की लड़की पिछड़े
जाति की लड़की से विवाह करती है तो आर्टिकल 16 के 4 या 15 के 4 के अंतर्गत ओबीसी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। मतलब उच्च जाति की लड़की है और निचले जाति के लड़के के साथ शादी कर लेती है, मतलब ब्राह्मण की लड़की है और एसटीएससी के लड़के के साथ क्या कर लेती है, शादी कर लेती है, तो उसे क्या नहीं आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो विवाह करती है तो आर्टिकल 16(4) और 15(a) के तहत ओबीसी का लाभ प्राप्त नहीं होगा, है ना, इसमें यह बोला गया था आरक्षण प्राप्त नहीं होगा इसके तहत 16(4) में और 15(4) में जो ओबीसी के बारे में बात करता है ना, ओबीसी लिख लो, ओबीसी, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम देखेंगे आर्टिकल 16, उसके बाद 17, 18, 19, इससे हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।